गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भक्तों का शहर के सभी गणेश मंदिरों में तांता लगा हुआ है। ऐसा ही एक गणेश मंदिर जिसे नहर के गणेश जी के रूप में जाना जाता है, यह मंदिर तकरीबन 250 साल पुराना है। यह मंदिर नाहरगढ़ पहाड़ी के तलहटी में बसा हुआ है। पहाड़ी की तलहटी में बसे होने के कारण यह मंदिर का नहर के गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ पर दाहिनी सूंड वाले दक्षिण मुखी भगवान गणेश विराजे हैं। इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने की बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि उल्टा स्वास्तिक बनाने से लोगों के सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन ने कभी उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाया। यहाँ ऐसा करने में कोई भक्तों की मनोकामना पूर्ण हुई है, जिसके बाद से यहाँ आने वाले भक्त उल्टा स्वास्तिक बनाना शुरू कर चुके हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि नहर के गणेश जी को पारंपरिक राजशाही की पोशाक धारण कराई जाती है। सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी गणेश जी के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें विशेष आयोजन रहेंगे। पहले दिन तो सिंजारा महोत्सव रहेगा, दूसरे दिन कल गणेश चतुर्थी है ही, और पाँचवें दिन ऋषि पंचमी की सप्त ऋषियों की पूजा होगी, जो हर वर्ष पाँच पीढ़ी से पूर्व चली आ रही है। और गणेश जी की विशेषता ये है कि ये सबसे बड़े दक्षिण मुखी हैं और दक्षिणावर्ती हैं, और ये सिद्ध विनायक स्वरूप प्रतिमा है। और जयपुर में इतनी बड़ी मूर्ति में एकमात्र यही मूर्ति है जो लोगों के और यहाँ के लोगों की मनोकामनाएँ बहुत सिद्ध होती हैं। ये आस्था का केंद्र बना हुआ है, तो यहाँ से भक्तों की मान्यता कम खाली जाता नहीं है, जो मान्यता लगती है और सब पूरी होती है लोगों को। ये चीज़ है, मैं इनको लोगों की आस्था का बहुत ही। पाँच बजे मंगला आरती के साथ शयन खुलेंगे और 7:30 बजे नियमित आरती होगी, और 9 बजे दूरबा समर्पण का आयोजन होगा, और 11:30-11 बजे अभिषेक गणपति का किया जाएगा। और जिसमें भक्त लोग सुबह से 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। शाम को महाआरती होगी और रात को 12 बजे शयन आरती होगी। इसके अंदर विशेष व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, गार्ड लगाए गए हैं, और लेडीज पुरुषों की अलग अलग व्यवस्था की गई है, और स्वयं सेवी कार्यकर्ता भी काफ़ी है। सब मिलकर व्यवस्था को संभालेंगे और गणपति की सेवा करेंगे। ठीक है।